एक्सेल के पेज को एमएस वर्ड पे एज ए वॉलपेपर यूज करना सीखते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, हमें एक्सेल वर्कबुक पर प्रिंट स्क्रीनशॉट लेना है। कीबोर्ड में पीएस बटन हमें मिल जाएगा इससे। उसके बाद सीधा पेंटिंग में अपने आप को ट्रांसफर करेंगे और कंट्रोल वी से जो प्रिंट स्क्रीनशॉट हमने लिया है उसे पेस्ट करेंगे। फिर F12 से इसको हम सेव करते हैं, किसी भी नाम से, किसी भी फोल्डर में से सेव करके अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद विनवर्ड पे ट्रांसफर करते हैं और यहाँ मिलेगा हमें पेज लेआउट। पेज लेआउट में हमें पेज कलर मिलता है, यहाँ पर फिल इफेक्ट मिल जाएगा। हमें पिक्चर के लिए यूज करना है, यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन है, इस पे जाना है और डेस्कटॉप पर हमने वो फाइल सेव करी थी अपनी, उस फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ से द RRR के नाम से फाइल है, इसे यहाँ से ओके कर लेते हैं। ये यहाँ पर एज ए वॉलपेपर यूज होगी, इस पर हम वर्क कर सकते हैं, जो भी काम करेंगे वो वर्क होगा, वर्क इस पर होगा, क्योंकि ये एक वॉलपेपर के तौर पर, बैकग्राउंड वॉलपेपर के तौर पर यूज हो रही है।